सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल तो ये आपको ये पता है कि न्यूज़ के अबाउट है, तो मैं इस किस्म की वीडियोस कम ही बनाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपेल हो गए थे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यार एक चीज़ की एक लिमिट होती है। शायद कि कुछ लोगों को इस चीज़ का पता हो, कुछ लोगों को ना, मोस्टली तो हर बंदे को पता है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता। तो टॉपिक इस वीडियो का ये है कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक चीज़ वायरल हो रही है, बहुत बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और वो चीज़ क्या है, मुझे ये कैसे पता चला, 3-4 दिन पहले इंस्टा पे एक बेड की पिक्चर आई हुई थी, तो उस बेड पे लिखा था एक बहुत अच्छा और बहुत पुराना पेज, उस पर अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं, तो वो लिखा है कि जो इस बेड को जानते हैं नीचे कमेंट करें। तो यार मैंने कहा इस बेड में ऐसी कौन सी बात है, तो मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो वहाँ पर लिखा था मुझे वीडियो का लिंक दो, मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा यार शायद कोई मजहबी वीडियो है या क्या चीज़ है, तो लोगों ने कमेंट किए थे कोई अम्मी जी इस तरह करके। मैंने कहा यार पता नहीं, शायद कोई माँ के मतलब कोई बात है कुछ ऐसा। तो मैंने वैसे ही अपने जानने वाले बंदे को मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, कह रहा मैं तुम्हें वीडियो भेजता हूँ। यार वीडियो भेजी है, तकरीबन काफ़ी लंबी जो मुझे वीडियो मिली थी 10-12 मिनट की। यार मैंने तो उसे क्या देखना था, मुझे तो समझ आ गई हुई थी। तो एक अडल्ट किस्म की वीडियो थी, एक लड़का और लड़की आपस में सेक्स कर रहे थे, ठीक है, और वो पाकिस्तान के बंदे थे। तो वो लड़की इस तरह अम्मी जी की आवाज़ या जो भी सीन है वो कर रही थी, वो मैं अब मेरा दिल नहीं कर रहा वैसी इस किस्म की मैं बात करूं। तो सबसे पहले एक बेगैरत किस्म का वो लड़का है कि जिसने ये वीडियो बनाई, पहले तो ये कि ये फाहश किस्म का घटिया किस्म का उन्होंने ये काम किया। अच्छा काम तो चलो वो करना था, वो तो लंड काम है, उन्होंने कर लिया। काम करने के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मुझे अब समझ नहीं आती है कि किस किस्म के इंसान है, कि वो बंदा किस तरह से जिस सतह की सोशल मीडिया पर अपलोड अपना वायरल हो रही है, तो किस कौन सा वो फेस लेके वो जो बंदा है वो अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाई के पास जाएगा, यार मैं इस तरह एक बेगानी लड़की को मैंने ये हरकत की है, मैंने कौन सा वो फेस लेके जाएगा, और वो जो बंदी है उसकी क्या मतलब। और लोग इतने कोई दल्ले किस्म की आवाम है ना यार, कि मैंने इससे हद इससे ज़्यादा जो मैंने चुतिया कौम मैंने वो नहीं देखनी है। खुश हो रहे हैं कि यार हमारी एक पाकिस्तानी कौम की एक लड़के और लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, तो उस चीज़ को और वायरल कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोज हो रही हैं कि भाई यहाँ पर लिंक इस चीज़ को आप देखो। कोई ढंग का काम हो ना कोई ढंग का काम, वो इन्होंने शेयर नहीं करना, वो पढ़ के उन पर भी लान तान करनी होती है। लेकिन ऐसी कोई बगैरत किस्म की इंसान, ऐसी कोई बगैरत किस्म की कौम है कि खुद तो उन्होंने गुनाह कर लिया, बगैरत पना कर लिया, अब ये खुद इस चीज़ को और वायरल कर रहे हैं। अगर कोई इंसानियत वाली कौम हो ना, तो वो जब एक बंदा देखे यार इस चीज़ को तो स्टॉप होना चाहिए। अब देखें यार, अगर आप किसी की माँ बहन की इज्जत रखोगे तो आपकी अपनी माँ बहन की इज्जत बुझे, क्योंकि आपके पास दो आँखें हैं जो दूसरों की लड़कियों को देख सकती हैं, लेकिन लोगों के पास करोड़ों आँखें हैं जो आपकी लड़की को देख सकते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में आती नहीं है किसी के, और वो किस हद तक चूतिया किस्म का बंदा होगा जिसने पहले वीडियो बनाई और बनाकर फिर उसको सोशल मीडिया अपलोड किया, और उन्होंने तो जो वो उस लड़की का जो करेक्टर था वो तो आपने देख ही लिया उसको, जो उसके बारे में तो मैं बात करना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो अब लोग जो अपना करेक्टर बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं और हैशटैग लग रहे हैं फेसबुक पे, भाई साहब फेसबुक पे इस चीज़ के हैशटैग लग रहे हैं कि यार ये पिछला बेड देखो इसका, तो ये था तो वो था। पता नहीं यार तुम लोगों को ये नहीं पता कि हमारे पेजेस पे लड़कियां होती हैं, किस किस्म की तुम लोगों की सोच है। मैं तो उस एडमिन पे हैरान हूँ कि जो एडमिन ऐसी पोस्ट करता है, कोई मजहबी हो कोई हमारे मुल्क के हालात के बारे में, यार डॉलर बढ़ गया कम हो गया, यार वो इंडिया के साथ हमारे क्या क्राइसिस चल रहे हैं, इस किस्म के आवाम को पता नहीं। हाँ अगर ऐसी कोई गंदी शंदी चीज़ अपलोड हो जाए तो बढ़ चढ़ कर हमने उसमें हिस्सा लेना होता है। कोई अपने दीन को देखो, अपने मज़हब को देखो, अपने नबी के बारे में सोचो कि वो नबी जो 6-6 घंटे तक रोया आपके लिए, और आप किस किन कामों में पड़े हुए हो। सोशल मीडिया यूज़ करो जो यूज़ करने का तरीका है। एक आप लड़की की, पाकिस्तानी लड़की की इज्जत को उछाल रहे हो और हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो भाई उसने ये किया उसने वो किया। किस हद तक घटिया और गलीज़ ये बात है, और किस हद तक घटिया और गलीज़ वो लोग हैं जो इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मूड कोई नहीं था, मेरी अभी कुछ टाइम पहले गैदरिंग हुई, तो मुझे यार फ्रेंड्स ने बताया कि यार ये सीन हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं यार बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा चलो यार अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये चीज़ शेयर की जाए कि उनका क्या माइंड है। अब बहुत सारे लोग, मैंने एक ऐसे एक बंदे की वीडियो देखी, उस पर अच्छे व्यूज़ आए हुए थे, तो उसको आधे लोगों ने लाइक किया और आधे से ज़्यादा लोगों ने डिसलाइक किया। मुझे नहीं समझ आती कि अवाम, इन अगर कोई बंदा ढंग की चीज़ बताता है
उसको वो डिसलाइक क्यों करते हैं। और इस वीडियो में भी लोगों ने अपनी औकात दिखानी है, मुझे पता है कि लोग इस किस्म के हैं कि वो अच्छी चीज़ को पिक नहीं करते, गंदी चीज़ों की। इस वीडियो पर जो ये वीडियो है ऐसी, इस पर लोग ने लाइक की हुई और यार ये बंदी मेरे पास होती तो मैं ये करता तो फलां करता तो इस किस्म की बातें की हैं। पता नहीं यार, शायद उनके पास कोई इज्जत नहीं है या माँ बहनों को उनको पता नहीं है। आपको ये पता है कि ये इस्लाम की बात है कि अगर आप किसी की माँ बहन के साथ कुछ गलत करेंगे तो ये कर्ज होता है, ये कर्ज आपको अपनी बीवी या अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी बेटी, इन चार औरतों से आपको ये कर्ज चुकाना पड़ता है। ये चीज़ जानने के बाद भी आप अगर ऐसी हरकत करें तो मेरा ख्याल है कि नहायत ही वो गलत और घटिया किस्म की सोच होगी। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि जितना अब चुतियापा हो चुका है, ये अब इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, तो अब यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया जाए। बहुत हो चुका है, बहुत इज्जत उछल चुकी है, बहुत हम लोगों की औकात पता लग चुकी है कि कितने के हम मुसलमान हैं, कितने हम पाकिस्तानी और कितना हमारे अंदर इस्लाम का जज्बा है। ये बहुत इस चीज़ से वाज़ हो चुका हुआ है कि कितनी हमें सेंस है जाहिल किस्म के वो ये जो पढ़े लिखे लोग जो बहुत कर रहे, जो एडमिन बने फिरते, पता नहीं कितने कितने लाख लोगों के उनके पेजेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि लानत है ऐसे लोगों पर जो इस किस्म की हरकतें कर, उन्होंने तो जो कर लिए वो तो चलो एक अलग चीज़ है, वो तो हो गई हुई है, उनके टॉपिक में बात नहीं कर रहा, वो तो उनका करेक्टर सबको नज़र आ गया है। लेकिन अब जो आगे से हमारी आवाम कर रही है ना, उसको जस्ट थम्स अप फॉर मी, कि इससे ज़्यादा मेरे पास और के वर्ड्स नहीं है कि मैं उनको कह सकूँ। तो खैर, मेरा ही वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस अम्मी जी वाले टॉपिक को अब स्टॉप करें। उसने जो अपने बगैरतपना करना था उसने कर लिया हुआ, तो अब हम अपना बगैरतपना ना करें। हमारा हक ये बनता है उस बगैरतपने को रोके, ये नहीं कि उसको प्रमोट करें, उसमें और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो मेरी इस आवाज़ को उठाएं और काइंडली इस चीज़ को बंद करें। ये हमारी इज्जत होती, हमारी इज्जत ही उछल रही है ये, तो इस चीज़ को बंद करें। और मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।